वेलकम फ्रेंड्स, फूड लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपिका आज आप सभी के साथ मिलकर एग रोल की रेसिपी बनाने वाली हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं ये टेस्टी एग रोल कैसे बना है तो हमारी वीडियो को पूरा देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का आप मिस ना कर सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं एग रोल। 200 ग्राम हमने मैदा लिया है, 2 प्याज लिए हमने, थोड़ा सा धनिया लिया है, 2 हरी मिर्च, आधा टमाटर लिया है, 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, 1 चम्मच नमक लेंगे, 1 चम्मच हम चाट मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च और 4 एग लिए हमने। हम एग रोल में मेयोनीज भी यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी सॉस यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम मेयोनीज लेंगे, टमाटर सॉस और ग्रीन चिली सॉस। अब सबसे पहले हम मैदा गूंदेंगे, इसमें हम आधा चम्मच नमक डाल देते हैं, आधा चम्मच ही ऑयल, और बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाएंगे इसका, जैसे चपाती के लिए करते हैं। और अब इसको हम तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमारा बिल्कुल सॉफ्ट डो बन के तैयार है। इसको 5 मिनट के रेस्ट के बाद हम इसकी चपाती बनाते हैं। 5 मिनट रेस्ट के बाद हम इसकी बॉल्स बना लेंगे, एक बड़ी चपाती जितनी, इस तरीके से। थोड़ा सा सूखा डस्ट कर लिया हमने मैदा, अब इसको बिल्कुल पतली चपाती बेल लेंगे, जैसे कि हमने पनीर रोल में बेली थी। ये देखिए हमने बिल्कुल थिन इसको बेला है, अब इसको हम तवे पे सेक लेते हैं। लाइट लाइट सेकना है हमें इसे दोनों तरफ से, बाकी फिर हम इसे एग के साथ करेंगे। अगर आप इन्हें प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं तो इस स्टेज पे आप इसे निकाल लें, और आप इसे जब बाद में थोड़ी जब आपको बनाने हो उस टाइम इसे दोबारा सेक सकते हैं। ये देखिए इतना हमने कर लिया इसे एक साइड से, और अब इसे एग के साथ करेंगे। इसी तरीके से हम बाकी भी रोल्स के लिए रोटी तैयार कर लेंगे। ये देखिए तैयार हो चुकी है। अब एक कटोरी में हम एग्स निकाल लेते हैं, इसमें हम 1/4 नमक डालेंगे और 1/4 ही लाल मिर्च, इसको अच्छे से फेंट लेंगे। अब तवे पे हम आधा चम्मच करीब ऑयल डालेंगे, और तवा गरम है, इस पर डायरेक्टली हम एग डाल देते हैं। इस पे अब हम अपनी चपाती रख देंगे, इसको प्रेस कर देंगे इस तरीके से। अब इसको हम फ्लिप कर लेंगे, अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं। ये 2 एग का बनाया है, अब हम 1 एग का बनाएंगे। अब एक कटोरी में हम 1 एग ले लेंगे, और इसमें हम 1/4 लाल मिर्च, 1/4 नमक मिलाकर इसे अच्छे से फेंट लेंगे। तवे पे हम आधा चम्मच ऑयल डाल देंगे, और तवा हमारा गरम है, साथ में इस पे एग डाल देंगे। थोड़ा सा फैलाएंगे हम रोटी के साइज का,
पे अब डायरेक्टली रोटी डालेंगे। अच्छे से प्रेस कर लेंगे तो मीडियम फ्लेम पे सेके बिल्कुल। हल्का सा ऑयल लगाएंगे ऊपर और इसको फ्लिप कर लेंगे। दोनों साइड से अच्छा क्रिस्पी कर लेंगे हम। इस साइड से देखिए हमारा एग कितना अच्छा गोल्डन। हमने बिल्कुल क्रिस्पी कर लिया है इसे तो निकाल लेते हैं अब हम। ये देखिए अब इसको हम रोल बनाते हैं। अब हम अपने एग रोल पर मेयोनीज लगा देते हैं पहले। इस तरीके से अच्छे से स्प्रेड कर लें। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, अगर आपको ज्यादा पसंद है या कम पसंद है उस हिसाब से। अब इसके ऊपर हम प्याज रखेंगे इस तरीके से बीच में, थोड़े से टमाटर रखेंगे। ये सब वेजीज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, अगर आप टमाटर नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हैं। थोड़े से हरी मिर्च, अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो हरी मिर्च भी आप स्किप कर सकते हैं। और एक एग का बच्चों के लिए बना सकते हैं, दो एग के आप बड़े लोगों को दे सकते हैं बना के। थोड़ा सा हरा धनिया और इसके बाद हम इस पर डालेंगे केचप। अब इस पर हम थोड़ा टमाटर सॉस डालेंगे और इसके बाद ग्रीन चिली सॉस। अब हम इस पर ग्रीन चिली सॉस डालेंगे, अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो हरी मिर्च या ग्रीन चिली सॉस आप अवॉइड कर सकते हैं। अब इसको हम फोल्ड करेंगे, हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, अच्छे से दबा के फोल्ड करें। और जो नीचे का हिस्सा है इसको इस तरीके से फोल्ड कर ले ताकि कुछ बाहर ना निकले। ये देखिए हमारा एग रोल तैयार है, बाकी भी ऐसी रेडी कर लेते हैं हम। ये देखिए हमारे गर्मा गर्म एग रोल बनके तैयार है। ये देखिए काफी अच्छे बने हैं, एकदम क्रिस्पी है। आप हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, हमें कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी है। लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।